नमस्कार, मैं एमके मिश्रा इंडोनेशिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या राहुल गांधी का सवाल जायज है जो राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने कर दी है बड़ी गलती और उस गलती का हर्जाना हमारे सैनिकों को भुगतना पड़ा है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में दिख जाएगा कि राहुल गांधी का सवाल वाजिद है या कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सवाल है वो सवाल कहीं न कहीं मोदी सरकार और बॉर्डर पर हुए चीजों को के क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। ले चलता हूं खबर की तरह। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको खबर पर लिए चलूं, उसके पहले मैं बता दूं पूरा का पूरा वाकया भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को। 15-16 जून के दरमियान रात हुई झड़प में भारतीय सेना के जो 20 जवान शहीद हुए थे उसका गुस्सा देश भर में था शहीदों का। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए निशाना साध रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने फिर एक बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि हमारे जवान क्यों मारे गए। एक सामने आपका ट्वीट नजर आ रहा है, जो ट्वीट है पहले पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लिखा। उन्होंने लिखा, नियदर एनी हैज इंट्रूडेड इनटू आवर टेरिटरी नॉर टुक ओवर एनी पोस्ट पीएम नरेंद्र मोदी एट ऑल पार्टी मीटिंग ऑन लद्दाख फेस ऑफ। ये इसका हिंदी अनुवाद, लद्दाख फेस ऑफ पर, मतलब लद्दाख में जो सैनिकों के आपसी भिड़ंत हुए थे उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि वहां किसी प्रकार का कोई भी चाइनीज हमारी सेना की टेरिटरी में नहीं आया था। अब इसी के जवाब में सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने जो लिखा वो आपके सामने ट्वीट है। इसमें राहुल गांधी ने लिखा, पीएम है सरेंडर इंडियन टेरिटरी टू चाइनीज एग्रेशन। राहुल गांधी का इफ द लैंड वाज चाइनीज, पहला सवाल व्हाई वेयर आवर सोल्जर किल्ड, दूसरा सवाल वेयर दे किल्ड। ये दोनों सवाल राहुल गांधी ने पूछे और इस राहुल गांधी के सवालों का जवाब मोदी सरकार के लिए घेरने के लिए था। राहुल गांधी के ट्वीट कर कहा, यह पूरी बात स्पष्ट हो चुकी है कि गलवान घाटी में चीन का हमला पूर्व नियोजित था, सरकार सो रही थी और इस समस्या से इनकार किया, हमारे शहीद जवानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कांग्रेस के नेता नाइक के बयान से जुड़ी जिस खबर का हवाला दिया उससे मुताबिक मंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिक पहले हमले की योजना चीन ने पहले बना रखी थी और भारतीय सुरक्षा बल इसका करारा जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह ट्वीट प्रधानमंत्री के चीनी आक्रमण के बाद भारतीय क्षेत्र में आत्मसमर्पित कर दिया है। यदि भूमि चीनी थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए, पहला सवाल, और वे कहां मारे गए, दूसरा सवाल। इससे पहले भी शुक्रवार को उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के एक बयान से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए इसको ट्वीट किया था। अब इन सब के बीच राहुल गांधी का सवाल और मोदी सरकार का जवाब, जिसमें साफ तौर पर मोदी सरकार ने कहा है कि वहां पर हमारी टेरिटरी में कुछ भी नहीं हुआ है और हमारी टेरिटरी में चीनी सैनिक नहीं घुसे थे, जो आमना सामना हुआ था। तो ये है पूरी की पूरी खबर। आगे देखते हैं, अब आगे अपडेट के लिए बने रहें क्योंकि किसका जवाब मोदी सरकार की तरफ से क्या आता है वो हम आपको अपडेट लेकर आएंगे। चलिए बने रहें ऑल इंडिया नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।